प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में गुरुवार को राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। PM मोदी को इस दौरान गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। इस कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत, तीनों सेनाओं के प्रमुख भी मौजूद रहे। इस दौरान PM मोदी ने कहा कि पिछले साल ने दिखाया है कि वायरस हो या फिर बॉर्डर की चुनौती, भारत पूरी तरह से तैयार है। आज देश दो देशी वैक्सीन बना चुका है, सेना का आधुनिकीकरण भी हो रहा है। बीते साल भारत ने दिखाया है कि वायरस हो या बॉर्डर की चुनौती, भारत अपनी रक्षा के लिए पूरी मजबूती से हर कदम उठाने में सक्षम है। वैक्सीन का सुरक्षा कवच हो या फिर भारत को चुनौती देने वालों के इरादों को आधुनिक मिसाइल से ध्वस्त करना, भारत हर मोर्चे पर समर्थ है। आज हम वैक्सीन के मामले में भी आत्मनिर्भर है और अपनी सेना के आधुनिकीकरण के लिए उतनी ही तेजी के से प्रयास कर रहे हैं। भारत की सभी सेनाएं सर्वश्रेष्ठ हो, इसके लिए हर कदम उठाए जा रहे हैं। आज भारत के पास दुनिया की बेहतरीन वॉर मशीन्स है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि देश में जहाँ भी कोई महत्वपूर्ण काम होता है, वहाँ हमेशा NCC के कैडेट्स पहुँचते हैं और संकट के वक्त भी मदद करने पहुँचते हैं। बाढ़ हो या दूसरी आपदा, बीते वर्ष NCC के कैडेट्स ने मुश्किल में फंसे देशवासियों की राहत और बचाव में सहायता की है। कोरोना के इस पूरे कालखंड में लाखों लाख कैडेट्स ने देश भर में जिस प्रकार प्रशासन के साथ मिलकर, समाज के साथ मिलकर काम किया है, वो प्रशंसनीय है। करियप्पा परेड ग्राउंड में हुए इस कार्यक्रम के दौरान अलग अलग राज्यों की ओर से परेड निकाली गई। इस दौरान PM मोदी ने सभी परेड का निरीक्षण किया, साथ ही PM मोदी ने कैडेट के कई सदस्यों को सम्मानित किया। बता दें कि हर साल दिल्ली में NCC का भव्य कार्यक्रम होता है, जहां प्रधानमंत्री बतौर मुख्य अतिथि जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर आई।